हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन समिट में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आपके नाम पर कितने सिम चल रहे हैं आपके आधार कार्ड से, ये पता करने का आज का वीडियो बताने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर आपके आधार कार्ड से कितने सिम अभी एक्टिव हैं, यानी कि अपना आधार कार्ड से चेक करना है कि जो भी सिम है कितने सिम हमारे आधार कार्ड से चल रहे हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं, पूरी तरीके से वीडियो को लास्ट तक देखिए कैसे कैसे चेक करना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि यहां पर गूगल ब्राउजर पर आ जाइएगा। चाहे कंप्यूटर का स्क्रीन हो, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो या मोबाइल का स्क्रीन हो, कोई भी स्क्रीन हो, इस स्क्रीन पर आ जाइएगा। बस गूगल को ओपन करना है। गूगल पर टाइप करना है onlinesubmit.com, जो पहला वाला वेबसाइट है इस पर हमको क्लिक कर देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ, देखिए दोस्तों, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा onlinesubmit.com। याद रहेगी सबमिट में डबल टी रहेगा, क्योंकि इस वेबसाइट से दोस्तों हर एक तरह की न्यू अपडेट सबसे मिलती है। तो सबसे नीचे जाता हूँ, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट का ऑप्शन है, हाउ टू आधार कार्ड टू चेक रजिस्टर ऑल सिम कार्ड, देख सकते हैं यहाँ पर। या दोस्तों, यहाँ पर एक सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ पर टाइप करेंगे SIM, सिम लिखेंगे तो यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सिम वाला आ जाएगा, हाउ टू आधार कार्ड चेक रजिस्टर ऑल सिम कार्ड, इस पर क्लिक कर देनी है। अब देखिए, ये जो पोस्ट है पूरी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप पोस्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे, अब देखिए, आधार कार्ड टू सिम एक्टिव ऑल चेक, यानी कि जितने भी आपके आधार कार्ड सिम एक्टिव है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। तो क्लिक हियर पर क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके का वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पर कुछ लैंग्वेज पूछा जा रहा है, तो हिंदी इंग्लिश जो भी है अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। ये ऑलरेडी इंग्लिश में दोस्तों, अगर हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर इंटर योर मोबाइल नंबर बोला जा रहा है, इसमें कौन सा मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर को फिलअप करेंगे। तो मेरे आधार कार्ड में ये मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर है, तो इसको ओपन कर लिया, OTP पर क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं दोस्तों, आपके मोबाइल पर एक OTP जनरेट किया होगा, उस OTP को पूरी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ, आपके सामने दोस्तों लाइव मैं फिलअप कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से फिलअप कर लिया, डायरेक्टली वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर लिस्ट ऑफ मोबाइल नंबर रजिस्टर ऑन आईडीज, इसका मतलब होता है कि आपके आधार कार्ड में जितने भी मोबाइल नंबर एक्टिव है यहाँ पर पूरी तरीके से दिखा दिया। तो कौन मोबाइल नंबर है दोस्तों, देखिए दोस्तों, शोइंग वन नंबर, यानी कि एक ही नंबर आपके इस आधार कार्ड से अभी मोबाइल ये चल रहा है। देख सकते हैं ये मोबाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं तो नंबर सेलेक्टर पर रिपोर्टिंग, ओके पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, इस तरीका से मतलब फुल्ली आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ मोबाइल नंबर और योर आईडी, आपके आईडी से कितने अभी सिम कार्ड चल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, बहुत लोग का यहाँ पर देखे हैं, यहाँ पर दो, अगर दो सिम चल रहे हैं तो यहाँ पर दो सिम दिखाएगा, तीन सिम चल रहे हैं तो तीन सिम दिखाएगा। बस आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसको फिलअप करके OTP लेकर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, आप अपना मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं कि मेरे आधार कार्ड में कितने सिम अभी चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो की ओर।